टाइगर रिजर्व में जानवरों की बढ़ती संख्या एवं रिहायशी इलाके जंगल की तरफ बढ़ने के कारण जानवर आए दिन रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं। ऐसे ही मामला अमानगंज वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में ग्राम मोहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की कुछ महिलाएं पानी भरने कुएं पर पहुंची। तभी देखा कि कुएं के पास एक जानवर बैठा हुआ है। महिलाओं ने चीख पुकार मचाते हुए गाँव वालों को बुलाया, जिस पर गाँव वालों ने देखा कि वहाँ एक भालू बैठा हुआ है जो ग्रामीणों को पास आता देख पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे गांव वालों ने वन विभाग को फोन पर सूचना दी, मगर वन विभाग समय पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल बना रहा। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा पहला मामला नहीं है जहां आए दिन इस तरह जंगली जानवर उत्पात मचाते रहते हैं, मगर जब भी इस विषय में वन अधिकारियों से चर्चा करें तो वे उल्टा फर्जी केस लगाने की बात करते हैं। वहीं सरपंच रागेश बागरी का कहना है कि आए दिन जानवर आने से लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कई बार कर्मचारियों से निवेदन भी किया कि ऊंची तार वाली बाउंड्री लगा दें, जिससे ग्रामीणों की परेशानी हल हो सके, लेकिन इसके विपरीत वह लोग केवल गांव वालों पर ही झूठा केस लगाते रहते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जैसे ही उन लोगों को पता चला कि जंगली भालू जंगल से बाहर निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया है, वैसे ही पूरी टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बमुश्किल भालू को पकड़कर उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। और उन्हीं का राज है तो उनको पाठ सब हम पूरी चिंता खत्म हो जाए, हमारे हम चिंता मर जाएगी, पचास हजार रुपये यहाँ भालू आया तो वैसे है, यहाँ 5 बजे से लगभग एक दो आदमी को दौड़ा भी है, इसके बाद पीपर के पेड़ पे चढ़ गया, और एक ही कुआ है गांव के पास में, इसमें पानी है और कहीं पानी नहीं है, तो अब गांव वाले सभी सुबह से सब पड़के हुए हैं कि कोई विभाग वाला आए इसको पकड़ के ले जाए। कोई विभाग आया सुबह से बोला चलो इसको जंगल ठहर देते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सरसों लगी हुई है सर, वहाँ घुस जाएगा जंगल तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग गाँव वाले लगे हुए हैं कि इसको डिपार्ट वाले जंगल वाले पकड़ के ले जाए पिंजरा में। यहाँ पे ये रीच आ गया और कई बार आया, कई गांव वालों ने बताया दिन आता है, यहाँ बगल में कचनारी है वहाँ भी आता है, और जो खेतों में बसते हैं उनको बहुत खतरा है। फॉरेस्ट वालों से निवेदन भी किया बार बार कि यहाँ थोड़ा इनकी देख रेख करवाएं, और 3-4 दिन पहले एक झूठा केस भी लगाया फॉरेस्ट वालों ने, एक आदिवासी भैयालाल आदिवासी भारत आदिवासी और लाला बंजारा, तो ये जो फॉरेस्ट वाले हैं बहुत ज़्यादा उग्रवाद ग्रामीणों को परेशान करते हैं, आदिवासियों को परेशान करते हैं, अभी भी वो आ गए हैं कुछ लोग पीपर वहाँ के पास में मोहर गांव में है, तो अधिकारियों से हमको पता चला कि यहाँ गांव में पीपल के ऊपर घास खाने के लिए भालू आ गए, जंगली भालू आ गया है, तो हम तत्काल जैसे सूचना मिली है, हम हमारे पूरे स्टाफ के साथ में हमारा किशनगढ़ बापाना टाइगर का दमोह जिले से भी आया है, हमारे स्टाफ आया है और आकर के देखा भी ऊपर बैठा हुआ है वो, और हमने अधिकारियों को बता दिया है वहाँ से भी रेस्क्यू टीम आ रही है, इसको अब पकड़ेंगे, जैसा भी है अधिकारी लोग आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, बड़े साहब एमपी साहब भी आ रहे हैं, और हम उसको तत्काल अभी यहाँ से अगर नहीं भागता है तो उसको हम पकड़ करके रेस्क्यू करके इसको ले जा करके जंगल में छोड़ेंगे। सुबह 4 बजे का लेट क्यों है ये सर? चूंकि अब परिक्षेत्र अधिकारी अमानगंज बफर वाले हैं वो अवकाश पे गए हुए हैं तो वही बता सकते हैं, अब क्योंकि हमको सूचना मिली है करीबन 10-11 बजे, तो हमको तत्काल जैसे सूचना मिली है हम आधे घंटे के अंदर हम ही आ गए, हमको जैसे सूचना मिली हम लोग आ गए। कब तक निकाला जा सकता है? अब सर साहब ऑन द वे है, रास्ते में है, जैसे आएंगे अब जैसे वो कहेंगे निर्देश देंगे हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं साहब? पन्ना से आ रहे हैं, पन्ना टाइगर से आ रहे हैं, और जैसे आएंगे हमारे से जो भी सहयोग रहेगा हम करेंगे, और उनके निर्देश में जो भी काम कहेंगे हम करेंगे, तत्काल करेंगे। ग्रामीणों का भी सहयोग रहेगा इसमें? बिल्कुल सबका सहयोग, तो अभी तक सहयोग कर ही रहे हैं वो लोग, अभी हमारे साथ में हम वो लोग काफी बातचीत भी करी है, तो वो कह रहे हैं कि हम जैसा भी सहयोग रहेगा हम लोग करने के लिए तैयार है, और अभी तक है तो सहयोग ही है उनका, क्या कि किसी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ, मतलब गाँव वालों का सहयोग, इसके कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ है। सनावत से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।